तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सूरज यादव आजमगढ़ में। तो हम पहुंच चुके हैं महफिल ढाबा में, और ये जो आजमगढ़ में है, मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उधर महफिल ढाबा लिखा हुआ है, पीछे दिखाई देगा आपको, काफ़ी दूर है। और ये देखिए यहाँ के सुविधाएँ हैं, और इधर हाल ऊपर बना है, और काफ़ी लोग अभी देखिए आ रहे हैं। धीरे धीरे शाम हो चुकी है, और इस टाइम 7:45 हो रहा है, और आप लोग देख सकते हैं महफिल ढाबा है, अंदर भी केबिन बनी हुई है। और यहाँ पे देखिए अलग अलग का फूल वगैरह लगाया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए मेन गेट यही है, और उधर सामने आपको रोड दिखाई दे रहा है, और इधर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए महफिल लिखा है। आपको चलिए दिखाते हैं कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए पूरा है, यहाँ पे महफिल लिखा हुआ है, और काफ़ी लोग सेल्फी वगैरह भी ले रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए महफिल ढाबा, हम लोग घर से 22 किलोमीटर की दूरी पे है महफिल ढाबा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है महफिल ढाबा। और इधर देखिए पानी भी चलता, अभी बंद हुआ है, अभी चालू होगा क्योंकि अभी लोग आ रहे हैं गांव से। ये काफ़ी मतलब कम पैसे में बढ़िया फैसिलिटी यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं। और इधर देखिए AC रूम भी यहाँ पे है फैमिली के लिए, इधर रूम बनाए गए हैं, इधर देख सकते हैं। तो चलिए अभी आगे, तो देखिए प्रेयर रूम है, आप लोग देख सकते हो ऊपर लिखा है, और यहाँ पे देखिए है, और आगे चलिए आपको दिखाते हैं। ये फैमिली मंजिल से यहाँ पे देखिए, और काफ़ी लोग देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं झूला झूल रहे हैं। और AC, हाँ AC हाल है देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे और ओनली फेयर फैमिली के लिए है, और देखिए उसके एम्प्लॉई हैं। और यहाँ पे भी देखिए ओनली फॉर फीमेल के लिए है, ये फैमिली के लिए देखिए इधर हाल बना है, और मेन हाल देखिए इधर बना है, इधर केबिन टाइप है, यहाँ पे भी लोग खा रहे हैं, और इधर गर्मी का सीज़न में बाहर भी खाते हैं। बैठने के लिए देखिए व्यवस्था कितनी अच्छी है, यहाँ पे कुर्सियाँ लगी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। इधर देखिए पानी अभी बंद है, अभी फुहारा चालू होगा, और ये लाइट वगैरह देखिए कितनी अच्छी लग रही है यहाँ पे, ये देखिए लाइट, इसमें पानी अभी चलता है, अभी फुहारा चालू होगा, पानी मतलब अच्छा लगता है काफ़ी, देखिए कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई हैं, और उधर देखिए लिखा है अंदर जाना सख्त मना है, उधर काउंटर वगैरह कैश काउंटर है ऑफिस है इधर, आप लोग एक बार यहाँ पे ज़रूर आइए। अभी आपको मेनू दिखाते हैं इसके, ये देखिए इसके एम्प्लॉय लोग हैं, और चलिए अभी इसकी मेनू दिखाते हैं आपको। और ये मेनू है, ज़्यादा रेट भी नहीं है आप इसका है, आप लोग देख सकते हैं महफिल ढाबा का मेनू यही है, आप लोग देख सकते हैं इतना रेट है इसका। चना कोली वाला 50 फूल है, फ्राई पापड़ है, अलग अलग चिकन के लिए इधर देखिए अलग मेनू बनाया गया है पूरा, आप लोग देख सकते हैं मेनू इतना है। फिर आगे आपको दिखाते हैं, इधर देखिए मटन वगैरह की भी व्यवस्था यहाँ पे है, कम रेट में बहुत अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है, आप लोग एक बार ज़रूर महफिल ढाबा आइए, आजमगढ़ से हैं तो ज़रूर एक बार आके महफिल ढाबा का आनंद लीजिए। ये देखिए इसकी मेनू थी, और इधर एक लोग बैठे भी हैं, और देखिए कुछ खा भी रहे हैं यहाँ पे देखिए ये लोग एम्प्लॉय लोग हैं, यहाँ पे ऑर्डर लेते हैं, जैसे कोई ऑर्डर किया तो तुरंत जो ऑर्डर लेते हैं और सबको पहुँचाते हैं अपने बंदे। देखिए यहाँ पे भी कुर्सियाँ खाली हैं, उधर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, और शाम का समय हम लोग भी तो सोच आए थे, तो सोचिए एक ब्लॉग बना लें आप लोगों को दिखा दें घर बैठे ही, आप लोग देख सकते हैं उधर देखिए कुछ लोग फ़ोटो वगैरह भी ले रहे हैं यहाँ पे गेट के बाहर, आप लोग देख सकते हैं जूमिंग करके दिखा रहे हैं आपको। तो चलिए बस अब आगे आपको दिखाते हैं, तो छोला पूरी जो आ चुकी है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं हम लोग खाएंगे, और आपको अब इसका पनीर छोला पूरी नान बटर का भी आनंद लिया जाएगा, और पानी भी है इधर बिस्लेरी का, और उधर भी देखिए आधा जा रहा है, इधर देखिए एम्प्लॉय लोग हैं खड़े हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं पनीर कोल्हापुरी का आनंद लेते हैं महफिल ढाबा में।